हेलो एंड वेलकम टू माय किचन माय डिश। दोस्तों आज हम आपको बेसिक माइक्रोवेव चॉकलेट केक बनाना बताने जा रहे हैं। इसके लिए हमने ये चार अंडे लिए हैं। चार अंडों को हमने इस वेसल में तोड़ के डाल दिया। अभी इसके अंदर हम ऐड करेंगे 120 ग्राम शक्कर, चीनी 120 ग्राम, और इन दोनों चीज़ों को ये ब्लेंडर यूज़ करते हुए फेटेंगे। इसे तब तक फेटना है जब तक ये पूरा फूल जाए और चीनी बिल्कुल डिसॉल्व हो जाए। ये हमारा फिलिप्स का ब्लेंडर, हैंड ब्लेंडर है, और इससे इसकी विपिंग बहुत अच्छी, बहुत शानदार विपिंग होती है। देखिए ये हमारा विप हो गया, अंडा फूल के डबल हो गया, डबल से भी ज़्यादा हो गया है, एकदम क्रीम हो गया है ये, और शुगर इसमें डिसॉल्व हो गया है। अब हम इसके अंदर बाकी दूसरी चीज़ें ऐड करने की तैयारी करेंगे। ये पूरा फूल के रेडी है, ये फूल गया है, बिल्कुल लाइट वेट हो गया है, क्वांटिटी में डबल से भी ज़्यादा हो गया है। केक को फूलना बहुत ज़रूरी है, उसे फेंटना बहुत ज़रूरी होता है। ये हमने 250 ग्राम मैदा लिया है, ऑल पर्पज़ फ्लार। इसके अंदर हम, क्योंकि चॉकलेट केक बनाने जा रहे हैं, तो इसके अंदर हम ये चॉकलेट पाउडर डाल रहे हैं, चॉकलेट पाउडर या कोको पाउडर 2 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून ये हमने डाला है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, और इन तीनों चीज़ों को मिलाकर इसे अच्छी तरीके से छान लेंगे। इसे छानना बहुत ज़रूरी होता है। इसे इस तरीके से छानने से ये सारी चीज़ें बराबर से मिक्स हो जाती हैं और केक बनने में बहुत आसानी होती है। अब हमने इस ब्लेंडर को फिर से ऑन कर लिया है और इसे थोड़ा थोड़ा विप करेंगे, और ये जो पाउडर आटा है इसको हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे और विप करते जाएंगे। इसे थोड़ा थोड़ा करके ही विप करना चाहिए। इसके जैसा स्पंज केक दुनिया में और कहीं नहीं बनता है, किसी और तरीके से नहीं बनता है। ये देखिए ये पूरा मैदा जो है इसके अंडे और शुगर के अंदर मिक्स हो गया है, और इसके अंदर हमने आधा कप दूध लिया है, और इसे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे इसकी कंसिस्टेंसी फर्म करने के लिए। इसकी कंसिस्टेंसी फर्म करने के लिए, क्योंकि इसे बेक करना है तो कंसिस्टेंसी अच्छी होनी चाहिए, पोरिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। देखिए ये दूध हमने मिला दिया और इसकी कंसिस्टेंसी अब बहुत अच्छी हो गई, बिल्कुल केक का बैटर एकदम रेडी है। देखिए हम इसे दिखाएंगे, इसे एक रिबन की तरीके से चौड़ी पट्टी गिरना चाहिए, बिल्कुल रिबन की तरह से। एकदम परफेक्ट डो, परफेक्ट बैटर तैयार हुआ है केक का। अब हम इसे माइक्रोवेव में बेक करेंगे, इसे हम ओवन में बेक नहीं कर रहे हैं। इसके लिए हमने ये एक ग्लास का प्याला लिया है, क्योंकि माइक्रोवेव में कोई दूसरा मेटल नहीं डाल सकते हैं, इसलिए उसके अंदर ये ग्लास का ये प्याला हमने लिया। इसके अंदर हम ज़रा सा घी लगाकर उसे मॉइस्ट कर देंगे, अच्छी तरीके से घी चारों तरफ लगाकर मॉइस्ट करना है इसे, बहुत अच्छी तरीके से घी से मॉइस्ट करना है ताकि वो चिपके नहीं केक उसके अंदर। इसके अंदर हम नीचे ये बटर पेपर इसके साइड का साइज़ का कट किया है, इसे इसके अंदर लगा देंगे अच्छे से, पूरा अच्छे से, इधर उधर नहीं हो। इसके बाद हम ये बैटर जो है इसके अंदर डाल देंगे, थोड़ा मिलाएंगे और फिर इसके अंदर डाल देंगे। देखिए इसकी पोरिंग कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हुई है। अगर कंसिस्टेंसी अच्छी नहीं होती, अगर ये गाढ़ा होता तो ये गिरने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, और अगर ये पतला होता तो ये धड़ाम से उसके अंदर गिर जाता और फिर वो केक का वो मज़ा नहीं आता। अब हम इसे ये बेक होने के लिए तैयार है। चाहे तो इसे बेक भी कर सकते हैं। 5 मिनट के लिए बेक कर लिया हमने इसे, बेक करके माइक्रोवेव कर लिया, और ये बनकर रेडी है। इसे चेक करेंगे, इसके अंदर ये चाकू पूरा नीचे तक डालेंगे, ये देखिए पूरा अंदर तक पक के तैयार है। चाकू बिल्कुल साफ निकला है, बहुत अच्छा केक बन के तैयार हुआ है 5 मिनट तक माइक्रोवेव करने में। अब हमने इसे निकाल लिया। अब आप चाहें तो इसे अपने हिसाब से जैसी भी आइसिंग चाहें वैसी आइसिंग कर सकते हैं, चॉकलेट आइसिंग कर सकते हैं, फ्रूट्स की आइसिंग कर सकते हैं। तो आप भी अपने घर में ये केक बनाइए, एंजॉय कीजिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।
टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली. बाय बाय.